बच्चों, मैं आपसे अब वो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पर नया पार्टनर अपने हिस्से की पूरी गुडविल कैश में लेके नहीं आता है। ही ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज गुडविल इन कैश। तो ऐसे में एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, वो हम क्वेश्चन के जरिए ही देख लेते हैं। मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ द बुक TS ग्रेवाल, और ये एडिशन जो है बुक का वो है 2022। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2:1 है। सी आया एज अ न्यू पार्टनर, वो 30,000 कैपिटल लेकर आया और ₹10,000 प्रीमियम उसे लाना था, लेकिन वो लाया केवल ₹8,000। पुरानी गुडविल अपीयर कर रही थी ₹18,000। ठीक है बच्चों, ये ओल्ड गुडविल थी। आपसे कहा गया नेसेसरी एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ क्वेश्चन। आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो है WLBW, राइट ऑफ लाना बांटना विड्रॉ करना। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले एंट्री इस बार राइट ऑफ वाली बनेगी, फिर लाने की एंट्री बनेगी, फिर बांटने की एंट्री बनेगी, विड्रॉ करने को कहा नहीं गया। पुरानी गुडविल दे रखी है ₹18,000, जिसको ए और बी के पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, और एंट्री होती है पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की, पुराने पार्टनर्स डेबिट यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 12,000, 6,000 और 18,000। ऐसा करके बच्चों हमारी पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। अब करेंगे जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है वो तो 30,000 है, अब प्रीमियम वो लाया 8,000 है, लानी उसको 10,000 थी, तो जितना लाया उससे ही एंट्री बनेगी, दैट इज 8,000। तो बैंक में 38,000 आ गया, सी की कैपिटल में 30 आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल में 8,000 आ गया। क्लियर बच्चों, ये हो गई उसकी गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री। अब बात करेंगे बच्चों प्रीमियम को बांटने की एंट्री की। तो जब प्रीमियम को बांटा जाएगा तो जितना प्रीमियम लेकर आया है उसके लिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जितना प्रीमियम नहीं लेकर आया उसका लिए सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो पूरा 10,000 दिया जाएगा, जितना वो ले आया उतना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से, जितना नहीं ला पाया वो उसके करंट अकाउंट से। अगर वो पूरा नहीं ला पाता तो सारा करंट अकाउंट से लेकर देते। ठीक है बच्चों, तो 8,000 और 2,000। अब ए और बी का सेक्रीफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे में यही माना जाता है कि पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द न्यू पार्टनर। तो ऐसे में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 2:1 ही हो जाएगा। अब 10,000 को 2:1 में बांटना बच्चों बड़ा आसान होता है। 10,000 का 1/3 होता है 3,333। याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको आगे जाके भी ये बातें। और 10,000 में से अगर आप 3,333 माइनस करोगे तो 6667 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी बच्चों बांटने की, विड्रॉ करने की एंट्री करनी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑफ करने की एंट्री बनी ओल्ड गुडविल की, कैपिटल प्रीमियम लाने की एंट्री बनी, और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते समय प्रीमियम के साथ साथ सी का करंट अकाउंट भी डेबिट किया गया। क्यों डेबिट किया गया? क्योंकि उसे लाने से 10,000 वो लाया केवल 8,000, दैट्स वाई बच्चों ऐसा किया गया। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों। बच्चों जो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें आपको ए और बी दो पुराने पार्टनर्स दिए हुए हैं जिनका अपना रेशियो 3:2 है। सी को नया पार्टनर बना के बिजनेस में एंटर किया गया। सी आया है 1/4 शेयर के लिए, वो 1/6 शेयर ए से लेगा, 1/12 शेयर वो बी से लेगा। यानी एग्जैक्टली ए का सेक्रीफाइस दे रखा है 1/6 और एग्जैक्टली बी का सेक्रीफाइस दे रखा है 1/12। इनको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये बी ए और बी के सेक्रीफाइस ही हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं एक ही सेक्रीफाइस को 1/6 या 2/12 लिख सकता हूँ बच्चों? हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/6 2/12 के बराबर ही होता है।
ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ए और बी का सेक्रीफाइस डिनोमिनेटर वाइज सेम हो जाए। ए का सेक्रीफाइस हो गया 2/12, बी का सेक्रीफाइस हो गया 1/12, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। इतनी बात तो क्लियर होगी बच्चों। अब आ जाइए गुडविल वाली बात पर। ये तो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने वाली बात पर, बाकी नया रेशियो मांगा नहीं है। अगर नया रेशियो मांगे क्या होता तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर निकालते और फिर नया रेशियो भी आ ही जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे मेजर फोकस हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे था जो 2:1 है। तो फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू करेगी ₹1,00,000 और सी अपने हिस्से की गुडविल का केवल 60% ही कैश में लेकर आया है। याद रखिएगा, वो 1,00,000 का 60% नहीं लेकर आया, अपने हिस्से की गुडविल का 60% कैश में लेकर आया है। तो पहले आप ये देखिए कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी है, फिर 60% करिएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल ₹1,00,000 है तो सी के हिस्से की गुडविल हो जाएगी ₹25,000, 1,00,000 का 1/4। अब 25,000 का वो केवल 60% लेकर आया है, यानी कि ₹15,000 वो गुडविल लेकर आया। तो 25 लाने थे गुडविल के तौर पे, लाया केवल 15,000, तो कितना नहीं लेकर आया बच्चों, वो नहीं लेकर आया 10,000। तो जब जो 10,000 वो नहीं लेकर आया वो उसके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा बच्चों, पैसा उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल अपीयर नहीं कर रही है और इसमें हम केवल प्रीमियम के लाने की और प्रीमियम बांटने की एंट्री करेंगे, विड्रॉ करने के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें दोनों डब्ल्यूज का कोई रोल नहीं है, लाने की और बांटने की एंट्री आपको करनी है। तो आ जाइए बच्चों, आप उन एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले जो एंट्री बनेगी वो प्रीमियम लाने की बनेगी बाय सी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल तो लाया है नहीं वो, तो सिर्फ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लाता है वैसे वो प्रीमियम, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, क्योंकि आप ये नहीं उम्मीद कर सकते क्योंकि नया पार्टनर बिना कैपिटल के बिजनेस में आ गया होगा और वो प्रीमियम लाया है, तो हम सिर्फ प्रीमियम लाने की एंट्री करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। दैट्स व्हाई प्रीमियम लाने की एंट्री होगी 15,000। अब इस प्रीमियम को बांटेंगे तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और जितना वो गुडविल नहीं लेकर आया वो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो उस जितनी गुडविल वो नहीं लेकर आया उतना उसके करंट अकाउंट से लेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इज कैपिटल अकाउंट। चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, आपको उसे करंट अकाउंट से ही लेना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी कैपिटल जो है अनअफेक्टेड रहे, अदरवाइज अगर उसकी कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे तो उसकी कैपिटल वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। अब नए पार्टनर की कैपिटल लाते ही डिक्रीज करना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द बिजनेस, दैट्स व्हाई ऐसा किया जाता है। अब इस 25,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो जो कि 2:1 है। तो 25,000 को 2:1 में बांटने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो आप ओरली कर सकते हैं। 25,000 को मानो 24,000 और 1,000 दो अमाउंट में स्प्लिट कर दिया। 24,000 को हम 2:1 में बड़े आराम से बांट सकते हैं 16,000 और 8,000, और 1,000 को मैंने आपको बांटना सिखाया था बच्चों, जिंदगी भर काम आएगा आपके। 1,000 का 1/3 होता है 333 और 1,000 का 2/3 होता है 667। तो इसका मतलब एक हिस्से में आया 16,667, 24,000 का 2/3 16,000 और 1,000 का 2/3 667। बी के हिस्से में आया 8,333, 24,000 का 1/3 8,000 और 1,000 का 1/3 333, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एंट्रीज बन गई, इसमें इतनी ही एंट्रीज बननी थी बच्चों, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि मूर्ति और शाह, जिसको मैंने एम और एस लिख दिया है, वो 3:2 के रेशियो में पार्टनर हैं। उन्होंने राव को बुलाया है 1/4 शेयर के लिए एज अ न्यू पार्टनर और उसके आने पर फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई वो ₹30,000 थी। राव कुछ भी कैश लेके नहीं आया, ना कैपिटल ना प्रीमियम। ये वो केस है जहाँ नया पार्टनर कुछ भी गुडविल के नाम पर कैश लेके नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में ना ही वो कैपिटल कैश में लाया है ना ही वो प्रीमियम कैश में लाया है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट में कहा है कोई पुरानी गुडविल अपीयर नहीं कर रही है और दूसरे पार्ट में कहा है पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है ₹10,000, ठीक है बच्चों। केस टू में 10,000 अपीयर कर रही है गुडविल, क्लियर बच्चों।
तो अब देखिए बच्चों, केस वन में क्या एंट्री बनेगी? राइट ऑफ करने की कोई एंट्री बन नहीं सकती, लाने की कोई एंट्री बन नहीं सकती, क्योंकि ना ही वो कैपिटल लेकर आया ना ही वो प्रीमियम लेकर आया। बांटने की एंट्री ही बन सकती है। 30,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है, उसका 1/4 निकाल दीजिए, वो 7,500 आ जाएगा, और उसके लिए एंट्री बन जाएगी बांटने की राउस करंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आएगा या जितनी गुडविल वो नहीं लेकर आएगा उतने उसके करंट अकाउंट से ले ली जाएगी, और मूर्ति और शाह के तो कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। तो मूर्ति कैपिटल अकाउंट, तो शाह कैपिटल अकाउंट, ये आपका 7,500 सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटेंगे। जब इसकी इन्फॉर्मेशन ना दे रखा हो तो ओल्ड रेशियो को भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, तो 4,500 और 3,000 आ गया। ये हो गया आपका केस ए की एंट्री। अब आ जाते हैं केस बी में, जहां पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है। तो जहां पुरानी गुडविल भी अपीयर कर रही है बच्चों, तो वहां पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी चाहिए। तो केस बी की मैं बात करूं तो केस बी में जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की जो 10,000 की, तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। इस तरह से पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, और केस बी की सेकंड एंट्री यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि केस ए और बी, ये एंट्री दोनों केस में बनाई जाएगी। केस ए में सिर्फ ये एंट्री बनाई जाएगी, केस बी में ये एंट्री बनाई जाएगी पहली, और ये बन जाएगी दूसरी एंट्री। ये राइट ऑफ वाली एंट्री, ये बांटने वाली एंट्री, लाने वाली एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना ही वो कैपिटल लेकर आया ना ही वो प्रीमियम लेकर आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 34 है और एक क्वेश्चन नंबर 28 है जो अभी तक हमने नहीं करा है। बाकी हमने 19 से लेके 34 तक, आप मान लीजिए लगभग सब 33 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 से हिडन गुडविल वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं अपना आपको क्वेश्चन 28 और क्वेश्चन 34 दोनों कराऊंगा, और उसके बाद हम हिडन गुडविल वाला टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों। और यहाँ आपका जो है क्वेश्चन 34 के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो बच्चे बहुत उनको दिक्कत आती है अगर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले ना कर रखी हो तो इसलिए आप क्वेश्चन 34 को जरूर जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये तीन क्वेश्चन ही, क्वेश्चन 31, 32 एंड 33। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।